Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. Namami Mishana Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakash Makash Vasam Bhajeham James here. पक्की खबर है वो हराम ज्यादा हीरा सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया है इससे पहले कि कोर्ट में गवाही दे पुलिस स्टेशन में उसकी कवर खोद दो जेम्स आम आज रात को ही हो जाना चाहिए किसका फोन था भाई का काय को फोन किया गोदी से माल फ्री करने के वास्ते गोदी से माल फ्री करने के वास्ते या किसी का बॉडी से लाइफ फ्री करने के वास्ते जब तुम जानता है तो पूछता काय को है देखो जी जिंदगी का लेना देना सब गॉड का काम है तुम उसके काम में दखल देगा ना तो गॉड तुमको कभी माफ नहीं करेगा जी ओ गॉड फ्लोरेंस तुम कब समझेगा कि तुम और तुम्हारा गॉड जिसको गुनाह और पाप कहता है वो हमारा बिजनेस है हमारा गॉड है हमारा धंधा है मगर हमारा फादर इन लॉ इतना पैसा छोड़ कर गया कि हमको पूरा लाइफ फिगर करने का जरूरत ही नहीं है फिर तुम ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देता क्योंकि जब हम इस धंधा में आया था तो हम ये नहीं जानता था कि ये वन वे ट्रैफिक है इसमें हम जा तो सकता है मगर लौट के आ नहीं सकता जेम तुमको जेम्स के माफिक नहीं लॉर्ड जीसस के माफिक बनाएगा हाँ अरे तुमको तो बहुत फीवर है रेस्टोरेंट क्राइसिस का सीरियस अटैक है बच्ची के पापा का है हवलदार जल्दी से जीप लाओ मुझे दवाई मैंने लिखकर दी है तो जल्दी बाजार से बच्चे को मंगवा कर दीजिए वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है जॉन क्या हुआ जॉन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस का अटैक हुआ है फिक्र मत कीजिए आप बाजार से जाकर जल्दी ये दवाई ले आए और बच्चे को हर दो घंटे के बाद देते रहिए ईश्वर ने चाहा तो सुबह तक ठीक हो जाएगा ठीक है डॉक्टर अच्छा अब मैं चलता हूँ
फ्लोरेंस, जॉन को उस रास्ते में मत जाने देना। जो जो वन वे ट्रैफिक है, प्लीज। John! John! John!
डरता हूँ, ये तो बिल्कुल झांसी की रानी है, हम बहुत डर रहा हूँ। साले मुरारी का बच्चा खुद भी डरता है, हमको भी डराता है। तो क्या इसके साथ रहकर तुम दोनों डरपोक हो गए हो? अब देखना हम कैसा फॉर्मूला नंबर 44 चलाता है। इधर मम्मी का पैर खत्म, इधर ड्रामा चालू। ध्यान से, ध्यान से। साला क्या जमाना आ गया चल, जिसको क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। थके मंदे घर में आओ, एक ग्लास पानी पूछने वाला कोई नहीं है। तंग आ गया बाबा, तंग आ गया। अपन तो इस लाइफ से तंग आ गया, अपन का दुख दर्द सुनने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। है एक है, पर वो पन क्या है, ढोंग है ढोंग। सारा का सारा प्यार बस मंदिर का सीढ़ी से काय को उठा के लाया हमको मालूम, इसलिए नहीं कि एक बेटा मांगता है, इसलिए कि एक नौकर फोकट में मिल जाएगा। ओ गॉड, हमको इस दुनिया में जीने का इच्छा नहीं है, अपन साला मर जाएगा। अपन साला क्या करे, साला जहर भी फोकट का मिलता नहीं है ना। अभी क्या जान देगा तो कान पे जू रेंगेगा, अरे कान में तेल डाल के बैठे ला है क्या। तुम काय को इतना शाउटिंग करता है, साफ साफ बताता नहीं तुमको क्या मांगता है। मम्मी हमको वो थोड़ा सा बोल, पैसा मांगता है। तुम तो हमारा दिल का बात जान लिया, इसलिए हमारा सारा दोस्त बोलता है तुम्हारा मम्मी तुम्हारा हार्ट में रहता है। अब मालूम, अब मालूम, पहले तुम्हें बताओ कितना मांगता है। 500? तुमको मालूम 500 कितना होता है, कभी सपने में देखा था क्या? नहीं देखा ना, इसलिए तो देखना मांगता है। क्यों देखने को मांगता है, क्या बात है? हमारा वो दोस्त है ना पीटर, उसका माँ बीमार है। कौन बता तुमको? अब मालूम, अब मालूम, तुम बीमारी का बहाना बनाकर हमसे पैसा लूटना मांगता है, लेकिन हम तुमको एक पैसा नहीं देंगे। आम सच्ची बोलता है मम्मी, पीटर का मम्मी को कैंसर हो गया है। जीसस हैव मर्सी, कैंसर हो गया, बचने का कोई चांस नहीं। तो फिर कैसे पैसा वेस्ट करने का है, अपने को नहीं देने का है? ये तुम बोलता मम्मी, ये तुम बोलता है, इसका मतलब दुनिया में दया धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। तो तुम कमा कर क्यों नहीं करता दया धर्म? अरे अगर हम कमाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा, और अगर हम पढ़ाई नहीं करेगा तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा? बहुत ड्रामा हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, ड्रामा। मम्मी गॉड का घर में देरी है मगर बांद्रा और अंधेरी नहीं, आज नहीं तो कल हमारा नौकरी लगने वाला है। अरे मुबारक हो राजा, राजा बधाई हो, बधाई हो मेरे यार। क्या बधाई हो, तुम काय को बहुत मारता है, तेरी नौकरी लग गई है। लग गई? कितने की लगी? 1000 रुपए की। 1000 रुपए? वो इकबाल का खैराज है ना, वहाँ पर 500 रुपया एडवांस देगा, 500 रुपया जब तू काम शुरू करेगा। रुक रुक रुक, तुम क्या सच्ची में नौकरी करेंगे राजा? अभी क्या करेगा, करना ही पड़ेगा। कैसे करेगा, नौकरी करेगा तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो हमारा सपना पूरा कैसे करेगा? मम्मी 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 मम्मी, तुम जरा सोचो, जरा सोचो, अगर हम नौकरी नहीं करेगा तो अपना खर्चा पानी कैसे निकालेगा, अपना दोस्त लोग का मदद कैसे करेगा? तुम्हारा मम्मी मर गया क्या? चेरो। अरे अभी तुम नौकरी नहीं करेगा, कितना इकबाल का हाथ पैर जोड़ के तुम्हारे लिए नौकरी लाए, और तुम्हारा मम्मी बोलता है हमारा सपना। सॉरी गुलशन, लो तुम सीधा जाकर उसकी मम्मी के हाथ में देना। हाँ, हम उसके हेल्प के वास्ते प्रे करेगा जीसस। ओ मम्मी यू आर ग्रेट। बदमाश मवाली गुंडा लोग, नकली सबके सब लोफर, हमको उल्लू बनाया, हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तुम वापस आकर देखो कैसा तुम्हारा बंदोबस्त करता है। अरे तुम लोग सब उठ क्यों गए? तो जिस कुर्सी पर बैठा है ना उस पर रोज माइकल बैठता है, और उसे देखकर भी अगर तू तो इस कुर्सी से नहीं उठा ना तो माइकल इसे अपना इंसल्ट समझता है। लेकिन उसके आने पर हम सब उठ जाए, क्या ये हमारा अनादर नहीं है? देख तू नया नया है इसलिए समझाना मेरा फर्ज, बाकी तेरी मर्जी। अबे ओ खटपल के, बहुत देर से तेरा नाटक देख रहा हूँ, उत्साह के दूध जमा के कनपट्टी पे तेरे। बिना वजह मारपीट करना अच्छी बात नहीं है जी, इतनी जगह खाली आप यहाँ क्यों नहीं बैठ जाते? बैठ जाता हूँ हरामजादे, पहले तुझे तेरी जगह पे बैठा दूँ। हट।
बहला दे क्या यार गुल्लू, मेरे को इस कुर्सी पे बैठने का बहुत दिल कर रहा है, क्या बताना बैठ जाऊं? देख थोड़ा कहूंगा ज्यादा समझना। अरे यार कुर्सी है कोई हसीना की गोद थोड़ी, बिंदास बैठ जा। बैठ जा, अरे बैठ जा, परवाह नहीं। भैया जी तुम बोलेगा तो बैठेगा, अब तो बैठ गए अब क्या। ए देख मेरी खोपड़ी फिरेली क्या, चुपचाप करके उठ जा नहीं तो तेरी अर्थी उठ जाएगी। ये नहीं कहना माइकल ने मौका नहीं दिया। दीपक ये मुझे धमका रहा है क्या? ये तुझे धमका नहीं रहा, ये समझा रहा है? वरना इस गधे की इतनी हिम्मत का तुमको धमका? धमका रहा हूँ मुरारी। अरे भैया ये तो बहुत जिद्दी आदमी, अभी तो मामूली कुर्सी पर बैठा है, यदि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे ना तो लगे रहते इसके नेता सारे सुसरे कहीं ना उठा पाएंगे। छोकरे कुछ ज्यादा ही शान पट्टी कर रहे हैं, लगाओ दो चार हाथ और मुंह तोड़ के रख दो सालों के। आपके मुझे मारने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। हथेली तो मेरी खुजारी है यार। ठीक है यार, आज तू अपनी खुजली मिटा ले, मैं इंसानों को बाद में देख लूंगा। चल छोड़ दो। के लिए अरे तो चाय कहाँ है यार, वो तो यहाँ है। अरे तो ले यार, ले नहीं लगारी मुरारी। अरे चाय कहाँ है हमारी? अरे सॉरी सॉरी बबुआ, ये लो चाय, कहाँ करे रास्ते में इतना स्पीड ब्रेक करवा जो था। तूने निकाला क्या? तूने भी तो महकल का बाजा बजाया, इस कुछ में अपन ने सारन बजाया, ये तो अपने कैंटीन का बैंड बजा था क्या? अरे वाह, अरे तूने तो कमल कर डाला यार। ये क्या मजा कर रहा है? अरे नहीं यार, वो माइकल को मारने का खुशी में 100 रुपए महीने का जमा करना। तू हर महीने इसके पास पैसे क्यों जमा करता है यार? अरे तेरे पास जमा कर देता यार, मगर क्या करूं? जब से तेरा बाप मरा है तू बिजनेस के चक्कर में 10-10 दिन कॉलेज नहीं आता, जरूरत पड़ेगी तो तुझे कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं। तू मेरे पास क्यों नहीं जमा कराता? तुम लौटाओगे नहीं ना? चुप। अच्छा तू ये पैसे जमा क्यों कर रहा है? अरे बताऊंगा यार, किसी को क्यों देना है? किसको? नहीं अरे एक ही तो डालेंगे अपनी। जिंदगी में कभी नहीं ना देखा हो, जी में आता है कि हम इसके मुंह पे वो कर दूं। क्या करेगा बे? तारीफ कर दूं। तो दिल में आ रहा है ना,
तो कर दो कर दूं, कर दूं। कर दो कर दे कर दे मैंने कहा अजय सुनते हो जवाब दे किसका ए किसका हां किसका जवाब नहीं सुनार का जो आपके कान के बाली बनाया है वैसे तो जवाब नहीं हां किसका उस मोची का जिसने मेरी ये सैंडल बनाई है अरे ये तो जुटियाती है बहुत गर्म है यार उतार दे का गर्मी चोर हमारे मुट्ठी बात छीन ली अरे खुद ही लिखती हो चुहा मगर प्यार से और खुद ही मारती हो मैंने लिखा और नहीं तो क्या ये क्या अब मैं मुरारी तेरी तो अरे बाबू दूसरी चाहिए ना ले मार इसे ये तो प्रोफेसर वर्मा है सर वो जानता हूँ अच्छी तरह से जानता हूँ जी हाँ इसने तुम्हें देखा एंगल बदल बदल के और तुमने इसे मारा सैंडल बदल बदल के क्या बात है मुझमें है ना अगर इजाजत हो तो एक शेर अर्ज करूं इरशाद वो मूंछी क्या जिसे फेरा न जाए फेरा न जाए और वो हुस्न ही क्या जिसे छेड़ा न जाए और अर्ज किया है लड़े वो कॉपी ही क्या वो कॉपी ही क्या जिसका कोई कवर ना हो क्या बात क्या बात वो कॉपी ही क्या जिसका कोई कवर ना हो और वो लड़की ही क्या जिसका कोई तुमने राजा को गाली दी तो जानते हो कौन है कौन है कॉलेज की सारी लड़की इस पर जान देती है अरे छोड़ो शादी यहाँ बनाऊंगा मैं रोमियो तू
इडियट, न समझते उसको इडियट। अरे हाथ छुड़ा कर चलिए किधर, वो यार मेहरबानी किधर। बेटा
चल बेटा। चले बापू। चलना। अजीब आदमी है, बेटे को हथकड़ी लगा कर लाया है। अरे मैं इसका बाप हूँ, हाथ बांधू पैर बांधू तुम्हें क्या मतलब? कोई नहीं बापू, चल बेटा चलो। चलना। I found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as I would wish to do without the help and support of the woman I love. अरे मुरारी वो भी वो अच्छा है। हेलो सर, हाउ आर यू? अरे कैसे हो? अजी हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं, आप विद्यार्थियों से खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। बस बस बस, लड़कियाँ कहीं आपको परेशान तो नहीं करती हैं ना साहेब? मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा बरवा साहब, चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। तुम्हें याद होगा आज रात 10 बजे हम गर्ल्स हॉस्टल के टेरेस पर मिलने वाले हैं। मैं जानती हूँ, फिर भी तुम्हें याद दिला रही हूँ। मुझे एक जरूरी बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी माधुरी। चालीसे को हनुमान 40 बोल रही है। बजरंग बली, मेरी माँ को माफ करना, बिचारी बहुत भूली है, अभी सीढ़ी चढ़ रही है। हमको भूत का भूल देता है काला बदमाश। अरे भूत भी इसका फोपड़ा देखेगा ना तो डर के मारे भाग जाएगा, भाग जाएगा वो। अभी चश्मा निकालेगी वो। तुम ये छोकरे को धरती के ऊपर काय को भेजा, हमको मालूम मालूम। हमको तुम खुद उसके ऊपर तंग आ गया होगा, इसलिए हमारे वास्ते भेज दिया, भेज दिया हमारे वास्ते। अब आराम से बैठ रही होगी। जानुमान जान को न साकर जाया कामी सत्य हो लोक उजागर।
लेता बाल दामा अंजनी पुत्र पवन सुत चिल्लाने मैंने छोड़ी कोई कसर फिर भी मम्मी पे ना हुआ असर राजू कुछ और कर बाल ठंडी तो नहीं लगी पता नहीं खाना भी खाया कि नहीं राजा अरे ये सचमुच तो नहीं भाग गया वो क्या है मम्मी मेरे को बहुत भूख लगा ना वो इसलिए मैं साला चोर चोरी करके खाना खाता बेशरम चोरी अपने घर में खाना खाना क्या चोरी करके खाना क्या तेरा घर ये घर तेरा है तेरा बाप छोड़ मरा था ये सब कुछ तेरे वास्ते हाँ अरे क्या बात करता है मम्मी तुम हमको ना नहाने देता ना धोने देता ना खाने देता ना सोने देता दिन भर डांटता रहता है हमारा सगा माँ होता तो हमारे साथ ऐसा करता था क्या तुम्हारा सगा माँ तुम्हारा कपड़ा धोता था तुम्हारे वास्ते खाना पकाता था तुम्हारे वास्ते खाली पेट सारा सारा रात रहता था वेट करता था क्या देखो पूरा खाना खा गया ऊपर से बोलता है सगामा नहीं है हमको मालूम जब तक हम खाना नहीं खाएगा तुम भी खाना नहीं खाएगा इसीलिए हम पहले तुम्हारा खाना नहीं खाला चलो अब तुम खाना खाओ नहीं हम नहीं खाएगा काय को हम नहीं खाएगा तुम काय को बोला हम सगामा नहीं है तुम्हारा अरे हम तो अभी भी बोलता है कि तुम हमारा सगामा नहीं है क्या हाँ तुम हमारा सगामा नहीं है ओ माय गॉड तुम तो हमारा मदर मरियम है तुम हमारा मदर मरियम है चलो अभी खाना खाओ अरे खाना खाओ अरे बोल दिया ना बाबा तुम हमारा गॉड है हम तुम्हारा डॉग है चलो तुम हमारा गॉड है अरे मैंने कितनी बार कहा कि अगर इसकी हथकड़ी खोलोगे तो एक भूचाल आ जाएगा एक तूफान आ जाएगा और मेरी इज्जत का टांका टूट जाएगा जाने दो मुझे नहीं हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तक हमें नहीं ना बताओगे कि हाथ क्यों मारते हो हम तुम्हें यहाँ से नहीं ना जाने देंगे क्यों जाने देंगे हम जाएंगे इसी तरह से हाथ खोल दे नहीं तो ये खोल डालेगा खोल दे खोल दे हम लोग खानदानी भिखारी हैं इज्जत की बात है अरे भीख मांगते मैं करोड़पति हो गया मैं बदल गया लेकिन ये नहीं बदला इसकी आदतें नहीं बदली इसलिए हथकड़ी लगा के रखता हूँ कि कहीं फिर से ठीक से मांगने लगे आज तुमने उसकी हथकड़ी खोल करके मेरी इज्जत का जुलूस निकाला है अरे यार इसको एडमिशन किसने दिया एडमिशन की भीख मांगी होगी ये कॉलेज में पुलिस क्यों अरे मेरी ससुराल तो दिल्ली में है मुझे यहाँ टाले जा रहे हो यहाँ ये है इस होस्टल का चौकीदार क्या भाई क्या नाम है आपका मियाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार तो गुमनामी में गुजर गए थे आपकी दुआ से वैसे लोग कहते हैं कि हम सब बंदरों की औलाद हैं तो मैंने अपना नाम बंदरुद्दीन रख लिया था वैसे लोग मुझे प्यार से बंदरू कहते हैं तो बंदरुद्दीन जब कल रात माधुरी छत से गिरी थी उस वक्त तुम कहाँ थे मैं फिल्म देखने गया था जी कौन सी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में आपकी दुआ से कौन सी टॉकीज शाम टॉकीज में ओ राम सिंह कल रात को इसी टॉकीज में कोई लफड़ा वफड़ा हुआ था ना यस सर
टिकट ब्लैक करने के चक्कर में मैनेजर को किसी ने जूते मारे थे। यहाँ मैनेजर खुद ही टिकट ब्लैक कर रहा था आपकी दुआ से। अब जूते नहीं खाएगा तो क्या बादाम खाएगा? तो तुम उस वक्त वहीं पर थे? अरे वल्ला, मैंने भी दो रख के दिए, दो जूते उसको। हाथ साफ कर लिया तो तुमने भी दिए। साहब जी, गलती होगी, माफ करना, लेकिन एक तो जरूर मारा था। हराम सादे, कल उस टॉकीज में कोई लफड़ा नहीं हुआ था? नहीं हुआ होगा, आप सच ही तो कह रहे हैं। और अब तुम सच सच बोलो, कल रात को तुम कहाँ थे? जी, माशोक को मिलने गया था। कहाँ? कोठे पर। कोठे पर? ओहो, इसका मतलब कोठे पर दारू वारू का शौक तो रखती होगे ना? नहीं, हराम है हमारे मतलब में। चरस, गांजा, अफीम कुछ? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। वो भी नहीं? पापा तो। अरे यार, बीड़ी सिगरेट तो पीते होगे ना? कभी नहीं पी। वो भी नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोठे पे जाने के सिवा और कोई गलत काम नहीं करते? यहाँ सिर्फ एक काम करता हूँ मैं। वो क्या? झूठ बोलता हूँ आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? राम सादे, अब मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका जवाब तुम सच सच दोगे? जरूर दूंगा मियां। माधुरी किसी से प्यार करती थी? जी, मेरे से तो नहीं करती थी। माधुरी से कौन मिलने आता था यहाँ? जी, मेरे होते हुए किसी की मजा लेके यहाँ? यहाँ मैं जवान का झूठा जरूर हूँ, लेकिन ईमान का पक्का हूँ आपकी दुआ से। ये सच बोल रहा है, इसी के डर से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौहान, क्या मैं जान सकती हूँ कि माधुरी की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है? मैडम, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि उसने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई। मैं कहती हूँ ये हत्या है। जी नहीं, ये आत्महत्या है, समझे क्या आप? अरे भाई, आपस में क्यों झगड़ रहे हो? प्रोफेसर वर्मा तो औरतों के रसिया है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों वर्मा जी, ये हत्या है या आत्महत्या? हत्या है। ना हत्या है ना आत्महत्या। थोड़ा कहूंगा, ज्यादा समझना, कल हॉस्टल में भूत है। शराब यार, मैं ये भूत भूत में नहीं मानता। ए, तू भगवान को मानता है? मानता हूँ। तूने कभी देखा है भगवान को? क्यों, हो गए ना बोलती बंद? अगर इस दुनिया में भगवान है तो भूत भी है। अरे मैं दिखा सकता हूँ। वो कैसे? देख, हम सब लोग आज रात को गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाऊंगा। अब लोग पजामे की औलाद, तू क्या तेरा बाप भी जाएगा? तुम लोगों से पहले बाप पुलिस पहुंच जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल में क्या करने गए थे तुम लोग? हम लोग भूत भगाने के लिए गए थे सर। भूत भगाने गए थे या सबूत मिटाने? सबूत मिटाने? हाँ हाँ, सबूत मिटाने माधुरी की हत्या के। इंस्पेक्टर, तलाशी लो इनके। ठीक से साले, मुंह खोलो तो दांत तोड़ दो तेरे में। अब गुदगुदी लगता है तो हम क्या करें? और शट अप। ए, अच्छी तरह तलाशी लो। ये क्या है? बॉल पेन है। अब थोड़ी थोड़ी चोन्नी बचा, वो तो रहने दो। प्रिंसिपल साहब, ये जानते हुए भी कि वो लोग वहाँ पर किस हालत में पाए गए, आप मुझे उन्हें छोड़ने के लिए करें? इंस्पेक्टर, दरअसल दीपक और राजा इस कॉलेज के मेरिट होल्डर्स हैं, उनके कैरियर का सवाल है। हाँ, उन्होंने शरारत जरूर की है, मगर इस उम्र में शरारत कौन नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। यस सर, उन लोगों के पास पैसों के सिवा और कुछ नहीं मिला। श्योर। प्रिंसिपल साहब, ठीक है, मैं आपके कहने पर उन्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर।
हम फिर पिटने वाला हूँ, हम लेट आया हूँ ना। अरे हमें क्या पता था कि आप लोग का दोस्ती हमें थोड़ा महंगा पड़ेगा। एक ही दिन में पुलिस का चक्कर, भूत का चक्कर और अभी झांसी गिराने का चक्कर। अब तो बस पजामा गीला होना बाकी है। पाटली दे, पाटली दे कहने। देखो यार इन ऊपर नहीं आता रहा है कि नहीं देखो। दरवाजा खोलो राजा, गुस्सा थूक दे यार। अरे मैं कुछ थूकने वाला नहीं हूँ, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। अच्छा, तुम हमारा दरवाजा तोड़ेगा और हम तुम्हारा तंगड़ी तोड़ डालेंगे। जो नीचे आता है ऊपर से घुमा घूम करता है। मवाली, मवाली पवाली और दो गाली। तुम दारू पिया राजा? अरे दारू वालू क्या होता है, ये देखो खून से रंगा हुआ चाकू। खून किया राजा? हाँ, तो संकट करता था इसलिए हम उसका पेट में चाकू घुसा के आज का आंकड़ा बना दिया ताकि स्टिचेस भी न लग सके। नो काका। जब हम इस धंधा में आया था तो हम ये नहीं जानता था कि ये वन वे ट्रैफिक है, इसमें हम जा तो सकता है रोक के आ नहीं सकता। हम खून कर मम्मी, मम्मी क्या हुआ तुमको? मम्मी 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 क्या हुआ तुमको? मम्मी 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 क्या हुआ तुमको? तुम खून किया? नहीं मम्मी, हम दारू भी नहीं पिया, हम खून भी नहीं किया। ये देखो हमारा मुंह बस मरता है, नहीं मरता है ना? तुम झूठ बोलता है। नहीं मम्मी, हम झूठ नहीं बोलता। हम लेट आया ना, तुम हमको डांटेगा इसलिए हम नाटक किया। तुम हमारे साथ आओ। हाँ चलो चलो। तुम गॉड का कसम खाकर बोलो, बोलो कि तुम खून नहीं किया। तुम्हारा सर पर हाथ रख के कभी झूठा कसम नहीं खा सकता माँ, हम सच बोलता है, हम मजाक किया था। देखो राजा, गलती से भी तुम्हारे हाथ से किसी का खून होएगा ना तो तुम हमारा मरा मुंह देखेगा। अरे नहीं राजा, कुछ भी कर सकता है पर कभी अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखा सकता। अरे क्या हुआ सनी? इस फिल्म का कोई मर्डर सीन देखकर डर गया होगा शायद। हाँ, इन फिल्म वालों को भी क्या हो गया है, हत्या और बलात्कार के बिना तो कोई फिल्म ही नहीं बनाते। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग आइए। आओ प्रिया, आओ। भैया एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। माधुरी की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की थी? हालात तो यही कहते हैं कि उसने आत्महत्या की है। पर क्यों? क्योंकि माधुरी प्रेग्नेंट थी, हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया हो और बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली। बस। हेलो, कहाँ खो गई, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन लड़कों के साथ अब वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। ये बताने के लिए कि माधुरी ने आत्महत्या क्यों की? क्यों की? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसी कॉलेज के किसी लड़के ने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया, मीठी मीठी बातें की और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। बदनामी के इसी डर से बिचारी माधुरी ने आत्महत्या कर ली। क्या तुम ये चाहती हो कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराए, कोई और माधुरी आत्महत्या करे? नहीं। तो फिर जिस अग्नि के फेरे लेकर
हम शादी के अटूट बंधन में बंधते हैं, उसी अग्नि को साक्षी मानकर सब ये कसम खाओ कि आज के बाद हम में से कोई लड़की किसी को प्यार नहीं करेगी। मैं ये कसम नहीं खाऊंगी। अरे कलमुही, तुझे क्या प्रेग्नेंट होना है? शट अप। मैं ये कसम नहीं खाऊंगी। जा हवा खा। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ। तो फिर अग्नि को साक्षी मानकर हम सब ये कसम खाते हैं कि हम किसी से प्यार नहीं करेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर हम ये कसम खाते हैं कि हम किसी से प्यार नहीं करेंगे। और जिस तरह ये बेवफा लड़के हमें अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और हमें प्रेग्नेंट कर देते हैं, उसी तरह हम भी उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उसे प्रेग्नेंट कर सॉरी हम भी अपने हुस्न के जाल में उन्हें फंसा कर उन्हें प्रेग्नेंट कर सॉरी नहीं नहीं हम भी उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा कर जूतों से हम भी अपने हुस्न के जाल में फंसा कर जूतों से चप्पलों से सैंडलों से और हॉकियों से उसकी पिटाई करेंगे और हॉकियों से उसकी पिटाई करेंगे। जय लड़की यूनियन। जय लड़की यूनियन। क्या करूं? जो हम कहूंगा तो करोगे? हाँ करूंगी। क्या रे? हमरा आइसक्रीम कैंडी स्टिक। हाँ मगर यहाँ नहीं। फिर कहा? गार्डन में। गार्डन में? Excuse me. Any problem? क्या बताऊं? ये पानी कैसा? ये पानी नहीं, पश्चाताप के आंसू है। इतने? बैठे रहिए। पहले ही दिन मैंने आपके साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि आपको सैंडल फेंकी। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके? अरे अरे क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको माफ कर दिया। सच? जी। आपने मुझे माफ कर दिया? जी। थैंक यू। सावे। अरे क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी है। कहाँ? यहाँ। नहीं। हाँ। पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी हूँ। बार-बार गिर रही हूँ। बार-बार चोट लग रही है। कहाँ? यहाँ। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। हाँ इसीलिए तो घर से इमामी बाम लेकर आई हूँ। प्लीज लगा दीजिए ना। कहाँ? यहाँ। ठीक है लगा डाल दो। लगाइए ना। देखिए। दिखाइए। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ नहीं फिर गार्डन में।
किस तरह पिटोगे? सहेलियों, जिस तरह तुम लोगों ने अपना अंग प्रदर्शन कर हमें अपनी लालसा भरी बातों में फंसा कर गाकर पटाकर पिटा है, उसी तरह हम पिटेंगे जरूर, मगर अपना अंग प्रदर्शन करके। क्या? जी हाँ, मेरे दोस्त मुरारी के नाना कहते हैं कि नंगे से शैतान भी डरता है, तो फिर तुम लोग क्या हो यार? दोस्तों खोल लालो, अपने कपड़े सालो, अबे खोल। सबको बाकी है जवानी का प्रसाद, थोड़ा मुझे भी चखा दे। प्रसाद चाहिए? आप नहीं बचेगी रामदादी, अभी इसी वक्त सबके सामने मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। दीपक, दीपक, वो माइकल है ना, माइकल, उसे तुम्हारी बहन की इज्जत पे हमला क्या है? क्या? अरे वाह, इस पर तो यही छोड़ गया। रामजादे, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डालने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, वो माइकल ने रंजना की इज्जत पे हमला किया है। हाँ, हम जानता हूँ तुम दिली दिल में उससे मोहब्बत करते हो। जाओ 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 जाओ, रिक्शा के पैसे दे, मैं उसे देखता हूँ। पैसा रिक्शा का हम दूँ? क्यों भैया, तुम हमसे पैसा लोगे? जी हाँ। तो फिर एक काम करो, पहले को घर पे आ जाना है। क्या? रंजना, मत कर रंजना, मैं आ रहा हूँ। माइकल, इसको तो मैं बचा लूंगा, अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? अबे ओ लंगड़े, तू क्या करेगा बे? लंगड़े की लंगड़ी देखी है, अब बेटे लंगड़े का भंगड़ा भी देख। मौका नहीं ना मिलेगा। देखो मुरारी, पहले तुम दीपक को भिड़ाए होगे और उसके बाद गुल्लू को भिड़ाए होगे, अब तुम हमें भिड़ाना चाहते हो और खुद तमाशा देखना चाहते हो। तो इनमें कौन नहीं बात है, हम तो हमेशा से करता हूँ। मगर आज ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? आज तुम भिड़ोगे, हम तमाशा देखूंगा। कैसी बात करते हो भैया, हम तो अहिंसा का पुजारी हूँ। मगर आज हिंसा की बारी है, आओ आओ ना भैया। बीच कॉलेज में सरेआम किसी बेबस लड़की की इज्जत लूटने से तो अच्छा है कि चिल्लू भर पानी में डूब मर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मुरारी बोल रहा था यार। कमाल कर यार, हमने कब कहा ऐसे कैसे? चुप है, करता है। माइकल, तू कुत्ता है, कमीना है, लुच्चा है, लफंगा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं क्या कर रहा है, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, ये तो मुरारी बोल रहा था। मुरारी, मर्दों जैसी बातें करके छोकरियों जैसा रो रहा है तू? तू है? आज से 25 साल पहले हिजड़ों की बस्ती में एक औलाद पैदा हुई थी, माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा था माइकल। ये भी इससे बोला है? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ, कुत्ते। अरे
ये लोग बाहर से कॉलेज में आके गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। हाय राजा, तेरे इस एहसान का बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। हे, डोंट बी सिली यार। भैया ठीक कह रहे हैं। अरे यार, मेरे कहने पे किसी ने ऐसी फाइट की होती ना, तो मैं उसे अपना धन, मन और तन दे देती। यार तू कम से कम उसे किस्त दे दे। मैडम, आप इनकी बात पता नहीं गौर करें। भैया क्या याद है, उस लफड़ा हुआ था, हमने जोखिम में पड़कर तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारे बदले में हम खुद पिट गया था, याद है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? क्या बकरा है बे? अच्छा तो तुम किस करना चाहते हो? एक काम करो, बगल में जो मोटी है ना, उनको किस कर लो ना। ये तो और बेटा है, वो तो हमारे साई जुआ की है। इतने लोगों की पिटाई कर दी और वो भी अकेले। हाँ? अरे एक ही तो है अपने कॉलेज में हुकुम का एका, बाकी तो सब छके चिड़ी के छके। प्रिय, जब कोई जवान खूबसूरत कुंवारी लड़की घड़ी घड़ी पीछे मुड़ के देखे तो समझ लो उसे हो गया है। क्या क्या? मैं तो रानी की राह देख रही थी। हाँ, हाँ, रानी की के राजा की। शट अप, तुम लोग जानती हो ना, शादी से पहले किसी लड़की को हाथ नहीं लगाने देने की कसम खाई है। अच्छा मान लो अगर वो आ गया और तेरी कसम टूट गई, तो तू से कहाँ कहाँ हाथ लगाने देगी? अरे बस आगे बस। चल 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 ना, चल यार। दूसरा हाथ पकड़कर प्लीज मेरी कसम मत तोड़ना। देखो इससे आगे मत बढ़ना, मेरा हाथ तो ठीक है, मुझे बाहों में मत भरना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब मुझे छू मत लेना। Thank you.
Remains a fool his whole life long, says Luther. And believe you me, he is 100% right. You see, the reason why lovers and their mistresses never tire of being together is that they are always talking of themselves. Am I right? करते हुए हर्ष हो रहा है कि कॉलेज में बड़ी धूमधाम से क्रिसमस नाइट मनाई जाएगी। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रिंसिपल, अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, क्यूरीज तो आएगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। मैंने भैया से नहीं पूछा। अरे तो पूछ लेना। अरे हमने तुमसे कह दिया ना कि हम 8 बजे आ रहे हैं। अरे लेकिन हमने तुमसे कब पूछा कि तुम कितने बजे आ रहे हो? अरे भैया 8 बजे आ रहे हैं यार, 8 बजे। अरे कमाल के आदमी हो, बताए चले जा रहे हो, बताए चले जा रहे हो, हमने कब पूछा भाई? तबेले में रह रहा कि तेरी अकल भैंस की तरह हो गई है। भैंस है भैया, चप्पड़ कंगी के सामने देख। ओहो, चांद मारी कर रहे हो। ठीक है, लगे रहो, हम चलता हूँ। तुम पहुँच जाना ठीक 8 बजे। 8 बजे चलो। अरे सुनो सुनो सुनो, ए मुरारी मुरारी मुरारी, मेरे पैसे निकाल दे। पैसे? ऐसे कैसे पैसे मांगते हो कभी भी?
अबे तबेले की औलाद, जो पैसे मैंने जमा किए वो तुझसे वापस नहीं मांगूंगा। लेकिन का है? मुझे तोहफा देना। किसको? अरे एक ही तो अपनी वन पीस है यार। ए मम्मी! कौन है? अरे तुम है? हम तो डर गया था कि कौन है। मम्मी होकर अपने बच्चे का आवाज नहीं पहचानता है? अरे इसीलिए तो हम बोलता है कि तुम मम्मी नहीं है, तुम मम्मी का डम्मी है। डम्मी? क्या बोला? हम मम्मी का डम्मी है। अरे हम क्या बोला, तुम छोड़ो ना। अरे तुम क्रिसमस का दिन में ऐसा सड़ेला कपड़ा पहनकर खड़े लाए, तुमको शर्म नहीं आता है? ऐसा बात करता है जैसे हमारे वास्ते नया कपड़ा खरीद कर लाया है। अरे तो लाया है ना, ये देखो। क्या बोलता है? तुम हमारा वास्ते क्रिसमस गिफ्ट लाया? अरे मम्मी हमारे पास रोने धोने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से हमको ये कपड़ा पहन के दिखाओ, हमको देखने का है कि तुम कैसे दिखते हो। तुम ये सीढ़ी उठाओ, अपना कमरा में जाओ। सीढ़ी? यू मीन मैं ये मामूली सीढ़ी उठा? बोला वैसा करने का। ओके उठाता है, इसमें इतना ब्लड प्रेशर हाई करने का क्या बात है? हाँ? ये आजकल का छोकरी लोग सजने सवरने में आधा जिंदगी खुद का खराब करता है, आधा जिंदगी दूसरे का खराब करता है। वेरी वेरी ऐसा क्या देखता है मैं? लग गया। क्या लग गया? श्रीदेवी का वाट लग गया। अरे क्या दिख रहा है मम्मी? एक हमीच मिला ना तुमको? नहीं सच्ची, मस्का मारने के वास्ते। आज गॉड को मस्का मारने का दिन है, हमको नहीं। चलो गॉड के सामने प्रे करो, चलो। श्रीदेवी क्या बोल दिया, सारा चलने का स्टाइल ही बदल गया। मम्मी अपुन चलता है। पापा अरे आज क्रिसमस का दिन, तू मम्मी को अकेले छोड़कर किधर जाता है? वो मम्मी अपुन क्या एक लड़की को टाइम दिया। लड़की? तब तो अपुन भी चलेगा तुम्हारे साथ। ओ मम्मी मम्मी मम्मी, कबाब में हड्डी का क्या काम है? हड्डी देखेगा, कबाब कैसा है? कम ऑन, तुम सचमुच देखेगा? मम्मी सचमुच देखेगा राजा। क्या बात करता है? सच बात करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई करता है क्या मम्मी? करता है मामी। राजा तुम सचमुच देखेगा? मामी सचमुच देखेगा राजा। गॉड ब्लेस मी। ब्लेस यू। ओहो क्या करता है ये? मामी ये लोग कभी इधर भीख मांगता है, कभी इधर भीख मांगता है। ठीक बोलता है, ऐसा है। ये आजकल का छोकरा छोकरी लोगों को डांस करना भी नहीं आता राजा, कितना डर्टी कितना गंदा दिखता है, हमको तो देखने को भी शर्म आता है। शर्म आती है तो आंखें बंद करो यो लेडी, ये तो आजकल का लेटेस्ट डांसिंग स्टाइल है यो रशियन लेडी। छगन साला कन्या राशि, क्या बोला तू मेरी मम्मी को? हा? राजा टेरो टेरो हम बात करता है। क्या बोला तुम हमको? पुराना साइकिल का फ्लैट टायर, अपना थोपड़ा कभी देखा है? ना छोकरा दिखता है ना छोकरी दिखता है, समझा? हमको सिखाएगा तुम डांस? हाँ हम तुम सबको सिखाता है आज, सब बंद करो देखो। या कम ऑन मम्मी। क्या डांस, क्या डांस कर रहा है?
मम्मी, यू आर वंडरफुल मम्मी, यू आर सुपर मम्मी, यू आर टू गुड मम्मी। हेलो। हाय। मम्मी? कौन है? बोलचे। बोलच कौन? बोल। अपना कबाब कबाब। ऐसा अपना कबाब है? ए, कौन है? हड्डी हड्डी। कौन हड्डी? मेरा मम्मी। मम्मी? हाँ। मम्मी। God bless you baby. Oh my God, Jesus, so pretty. क्या मम्मी? क्या बोलता है? हम बोलता है ऐसा हूँ। ऐसे लंगूर को कैसे मिल गया? होता है, ऐसा होता है। क्या होता है? 60 साल के बाद ऐसा होता है, आदमी ऐसा बहका बहका बात करता है। आज हम डांस करेंगे तुम्हारे कबाब के साथ। ए मम्मी, ए मम्मी, अरे रंजना, क्या हो रहा है? रंजना, एनी प्रॉब्लम? रंजना, हाय रंजना, चलो डांस करते हैं। प्लीज, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। देखो मेरी बात तो सुनो। मुझे जाना है। प्रॉब्लम है क्या? यहाँ कोई देख लेगा। तुम गर्ल्स हॉस्टल की छत पर जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। और सुनो, हा? वो ब्लू फिल्म वाली बात किसी से कहना मत। अच्छा? जाओ। से मिलते हुए देखा था। उसके बाद रज्जो हॉस्टल की तरफ चली गई, पीछे पीछे प्रोफेसर वर्मा भी चला गया, और उसके बाद रज्जो का खून हो गया। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं डीएनवी कॉलेज का प्रोफेसर आकाश वर्मा बोल रहा हूँ। कॉलेज की एक लड़की रंजना की हत्या हो गई है, और मैंने हत्यारे को देखा है। उसका नाम है, हेलो हेलो, कहा जाएगा कुत्ते? हट्टो राजा, हट्टो, क्यों किया खून? तुमने रंजना का खून किया? नहीं, मेरी बात का यकीन कर। छोड़ना मत, मर। यही है वो कातिल। नहीं, फिर की बात का भरोसा मत कर। झूठ बोलता है। मैंने नहीं किया। झूठ बोलता है। खुद किया। नाटक करता है क्या? नाटक करता है। देखो राजा,
राजा। हाँ मम्मी। तुम लोग इधर क्या करते हैं? तुमको मालूम उधर मर्डर हो गया, हम तो बहुत डर गया। चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। मुझे किसी ने खून करके देखा तो नहीं? नहीं किसी ने नहीं देखा। एक्सक्यूज मी प्लीज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप हमारी बात तो सुनिए। नो कमेंट। डीएनवी कॉलेज मर्डर केस के सिलसिले में हम नई जानकारी चाहते हैं सर। जो हमें मालूम था वो हमने बता दिया। आपने ये नहीं बताया कि मरने वाली लड़की रंजना प्रेग्नेंट थी, क्या ये सच है? जी। इससे आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? इस नतीजे पर कि रंजना और माधुरी की हत्या में एक ही आदमी का हाथ है। क्योंकि दोनों न सिर्फ गर्भवती ही थी बल्कि दोनों की हत्या एक ही तरीके से की गई, छत से धक्का देकर। हत्यारे का कोई सुराग मिला आपको? जी नहीं, लेकिन एक बात तय है कि हत्यारे एक नंबर का अय्याश है। वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है और जब वो उस पर बोझ बन जाती हैं तो उनकी हत्या कर देता है। लेकिन प्रोफेसर वर्मा का हत्यारा कौन है? वही जिसने रंजना और माधुरी की हत्या की। ये बात आप किस बिना पे कह रहे हैं? इस बिना पर कि रंजना की हत्या प्रोफेसर वर्मा के सामने हुई, वो उसकी हत्या का चश्मदीद गवाह था और ये बात खुद मुझे फोन पर उसने बताई। ओ, मगर उसने ये नहीं बताया कि उसका हत्यारा कौन था। इट इज नॉट फनी। इससे पहले प्रोफेसर उस हत्यारे का नाम बताते, उस हत्यारे ने प्रोफेसर की हत्या भी कर दी। इस केस में किसी की गिरफ्तारी हुई थी? जी हाँ। किसकी? इस हॉस्टल के चौकीदार बंदरुद्दीन की। साहब जी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर आप मानते ही नहीं है। कुछ नहीं जानता है तो तनख्वाह किस बात की लेता है? चौकीदारी करता है या घास छीलता है? घास भी छीन लेता हूँ। क्या है लो, पूरा काला छान मारा और ससुर यहाँ बैठे हैं। राजा मैं तेरी चिंता समझता हूँ दोस्त, मेरी दोस्ती की खातिर तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरे काहे चिंता करते हो, तुम्हें खून करते किसी ने देखा तो नहीं है ना? और फिर देखा भी हो तो क्या हुआ? कौन सा तुमने जानबूझ के खून किया है? अबे अधिक से अधिक क्या होगा, उम्र कैद होगी ना, फांसी तो नहीं लगेगी? अरे 14 साल तो यूं निकल जाते हैं। तुम लोग क्या समझते हो मैं सजा से डरता हूँ? मुझे तो फांसी भी हो जाए ना तो मुझे उसकी परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ मम्मी की। अगर उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे हाथों से खून हो गया तो मर जाएगी। दीपक क्या पुलिस क्यों आई है? फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। किसके? सभी स्टूडेंट्स के। पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर वर्मा का कत्ल भी कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने ही किया है। कृष्ण तू बोल ना मैं क्या करूं। राजा हा? मेरी बात मान, भाग जा। हाँ राजा भाग जाओ। राजा ये लोग ठीक कह रहे हैं, इससे पहले कि पुलिस आए तू भाग जा। भाग जा राजा, तू भाग जा राजा। राजा पुलिस के आने से पहले भाग जा। अच्छा भाग जा, तू भाग जा। भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने इस कॉलेज को चारों तरफ से घेर रखा है। चलो चलो नीचे नीचे चलकर अपने फिंगरप्रिंट्स दो। कम ऑन हरी अप। तुम लोग चलो मैं आता हूँ सर। अच्छा ठीक है, घनश्याम तुम यहीं रहो। यस सर। थैंक यू। चल चल बहुत चाय पट्टी हो गई।
ये पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट लेने में कितना वक्त लगेगा? बस यही समझिए 15-20 मिनट और लगेंगे। नाम? राजा। पता बताओ। जॉइन होम 102 रुईया पार्क रोड। कोई नहीं बचा सकता, ये तो फंस गया। देख हम सबके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। जब इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे तो पुलिस को पूरा शक हो जाएगा कि मर्डर इसी ने किया है। फिर कब मिल रही है? अरे राजा, चलना नहीं है क्या? कहाँ? अरे प्रिया की पार्टी है, भूलिया जो उसका जन्मदिन है। अरे हाँ यार। हाय राजा। हाँ जी हाँ। मुबारक हो। जन्मदिन भाई भाई मुबारक हो। गुल्लू कहाँ है? ओ, टैंक वाला धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा है। आओ, मैं तुम्हें अपने भैया और भाभी से मिलाती हूँ। चलो हम भी मिलूंगा। भैया, यह है मेरे भैया और भाभी। हेलो। यह है राजा और उनके दोस्त। नमस्ते। अच्छा अब तो सारे मेहमान आ गए, चल जल्दी से केक काट ले। मम्मी ने एक केक भेजा है, खास अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। भाभी, मैं ये केक काट लूं? बड़े प्यार से भेजा है उन्होंने। अभी से सास का इतना ख्याल रख रही है, शादी के बाद तो हमें भूल ही जाएगी। चल आजा। आइए। आए। प्रिया कह रही थी तुम्हें किसी ने गोद लिया हुआ है, क्या नाम है उनका? जी फ्लोरेंस जॉइनर। फ्लोरेंस जॉइनर, ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। खैर, उनके पति का क्या नाम था? जेम्स जॉइनर। जेम्स? जेम्स जॉइनर? जी। सुनिए, केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे। क्या करते थे मिस्टर जॉइनर? जी एक बिजनेसमैन थे। उनकी मौत कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में या पुलिस फायरिंग में? मैं नहीं चाहता कि तुम एक झूठे बेईमान और धोखेबाज आदमी से कोई रिश्ता रखो। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ। जानते हो जो मुझसे अभी क्या कह रहा था? कि जिस औरत ने इसे गोद लिया है उसका पति एक बिजनेसमैन था, जबकि वो एक पेशेवर हत्यारा था। ये आदमी मुझसे कह रहा था कि उस आदमी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जबकि सच्चाई ये है कि आज से 20 साल पहले वो पुलिस की गोलियों से मारा गया था। एक बर्बर हत्यारे की विधवा अपने गोद लिए हुए बेटे को गुंडागर्दी और मक्कारी के सिवा सिखा भी क्या सकती है? अपनी जबान को लगाम दे इंस्पेक्टर, लगाम दे अपनी जबान को। मेरी माँ के खिलाफ एक और गलत लफ्ज कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू इंस्पेक्टर है। और शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। इट्स ओके, आई एम गोइंग। तुम्हारे शराफत के चिड़ियाघर में रहने का मुझे कोई शौक नहीं, समझे तुम? बाय बाय प्रिया। चलो दीपक, चलो जाने से पहले अपनी माँ का ये सड़ा हुआ केक भी लेते जाओ। मजबूर भी नहीं हूं कि सरेआम तेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने वाले को इस बात का एहसास भी ना दिला सकूं कि बेइज्जत होने का दर्द क्या होता है।
तो कहूं कि मैं तुम्हें चुमना चाहता हूं तो क्या तुम खत्म हो चुका है चांद साहब, अब आप ये नाटक बंद कर दीजिए। अरे आप ही ने तो कहा था कि प्रिया के चुमन के साथ ये नाटक खत्म हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों ने जो देखा दरअसल वो हकीकत नहीं थी। प्रिया के जन्मदिन पर आप सब लोगों को सरप्राइज देने के लिए सोच समझ कर किया गया एक नाटक था जिसके दो किरदार थे, एक मैं खुद और दूसरे चौहान साहब। और चौहान साहब की इस खूबसूरत अदाकारी के लिए जोरदार तालियां। मुझे तो आज तक नहीं पता था कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं। होगा होगा चौहान साहब, होगा, गाना बजाना भी होगा। हाँ Thank you.
क्या पता। क्या कहा बेटे? पापा कौन? चलिए पापा। चल बेटे। राजा, मुझे लगता है इंस्पेक्टर चौहान तेरा पीछा करते करते जरूर तेरे घर तक पहुंचेगा। गुल्लू ठीक कह रहा है राजा, तू अपनी मम्मी को लेकर कहीं छुप जा। लेकिन दीपक, मैं छिपूंगा। हमारे तबेले में भैंसों के बीच। अरे छुपे, मेरा एक दोस्त है, 2 साल से वो लंदन में रहता है, पुलिस को उस घर की भनक तक नहीं पड़ेगी। चलिए ना पापा। पापा अंकल कौन? इधर है बेटा। उधर पुलिस स्टेशन। कौन? वर्मा, मैं चौहान बोल रहा हूँ। यस सर। वो कॉलेज के लड़कों के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं? यस सर, मगर एक लड़के के फिंगरप्रिंट साफ साफ नहीं आए सर। सर एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसने हाथ में तेल या मोम लगाकर फिंगरप्रिंट्स दिए होंगे। उसका नाम राजा है ना? यस सर, मगर आपको कैसे पता चला? उसकी तुम छोड़ो, देखो मैं 5 मिनट में वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम फोन रेडी करो, इट इज वेरी अर्जेंट। अरे चलो चलो जल्दी ले अंदर गाड़ी, हम गुस्सा बंद करो। सर मम्मी चलो। नहीं आएगा, तुम अब भी हमको अपने घर में छोड़ कर आओ। अरे तुम समझ सकते हो मम्मी, हम उधर नहीं जाने को सकता, उधर हमारा मर्डर हो जाएगा। मम्मी, हम एक आदमी को खून करते हुए देखा है और वो आदमी और उसका गैंग मिलकर हमारे जान के पीछे पड़ा है। तुम सच बोलता है राजन? हम सच बोलता है मम्मी, हम सच बोलता है कि खून होते हुए हम अपनी आंख से देखा है। अरे अरे तुम रोता है पगला? अरे बच्चे का हंसी में तुम माँ का खुशी है, तुम जिधर बोलेगा ना बाबा तुम्हारा मम्मी उधर ही चलेगा। चलो अभी हमको हंसकर बताओ। हाँ अरे मेरा बाबा। माजी माजी कौन सी चक्की का आटा खाती हो? कहीं को बहुत मोटे आ गई हो, हमारा हाथ अब तक फिरा रहा है। चलो अच्छा हुआ, चलो साबुन उतारो गाड़ी से। कुछ भी बोलता चलो, कच्चा बदमाश है। राजा झूठ एक वेश्या की तरह है, जिसे लाख पर्दे में रखो मगर उसकी असलियत नहीं छुपती। आज तो इस झूठ ने तुझे बचा लिया, मगर उस बच्चे की गवाही तेरे इस झूठ की धज्जियां उड़ा देगी। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास? एक तो रास्ता है। क्या?
हम टिकट कटा के उस बच्चे को विदेश भेज देता हूँ, फिर पुलिस उसको वहाँ से लेवा नहीं ना पड़ेगी। भैया जी अकल बड़ी के भैंस, भैंस बहुत बड़ी होती है, हम देखा हो। देख राजा, मैं तो कहता हूँ कि तू इस बच्चे का मर्डर कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पागल हो गया क्या तू? हम अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की जान लेंगे? इतना गंदा ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? शर्माती मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए, पागल हो गया साला। राजा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तेजा बोल रहा हूँ। इस बच्चे की गवाही हमारी मौत बन सकती है, इसलिए उस बच्चे को खत्म कर दो। दिया खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। आई भाभी। विजय चौहान बोल रहा हूँ। यस सर। फॉरेन सिक्योरिटी के लिए 2 कांस्टेबल मेरे बंगले पर भेजो। सिक्योरिटी के लिए? किसकी? मेरे बेटे सनी की। अभी अभी राजा ने उस पर कातिलाना हमला किया था, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो अब तक सनी जिंदा ना होता। उनकी ये मजाल सर, आप फिक्र मत कीजिए, 10 मिनट के अंदर किशोर और सावंत वहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू। भैया आपने कैसे यकीन कर लिया कि हमला करने वाला राजा ही है? उस आदमी के चेहरे पर तो नकाब था। नकाब उसके चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आंखों पर लगा है। तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो प्रिया, और तुम ये कड़वा से निकलने के लिए तैयार नहीं हो कि राजा एक खूनी है, इतना खतरनाक और बेरहम खूनी कि अपनी जान बचाने के लिए वो हमारे सनी की जान लेना चाहता है। एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर पुलिस ऑफिसर के बेटी की हत्या करने की जरूरत की उसने? जानते हो क्यों? वो इसलिए कि उसके मन में हमारे डिपार्टमेंट का कोई खौफ नहीं रहा, वो इसलिए कि वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड की औलाद और तुम सबको लुका पट्टा समझता है। बड़े शर्म की बात है कि अपराध की दुनिया का एक दूध पीता बच्चा हमारी आंखों में धूल पे धूल झोंकता जा रहा है और हम उसके पैरों की धूल तक नहीं पहुंच सकते। सॉरी सर, उसे दूध पीता बच्चा समझना हमारी गलती होगी। व्हाट? अपराध उसे विरासत में मिला है सर। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, फ्लोरेंस नाम की जिस क्रिश्चियन औरत ने राजा को पाला है, ठीक 20 साल पहले उसका पति जेम्स एक एनकाउंटर में पुलिस की गोलियों से मारा गया था। जेम्स? यस सर। वो खतरनाक हथियार है जिसने पुलिस लॉकअप में खून करके सनसनी फैला दी थी। यस सर। राजा उसी की पत्नी फ्लोरेंस का गोद लिया हुआ बेटा है सर।
बाप भी गोलियों से मारा गया था और बेटा भी गोलियों से मारा जाएगा। हाँ, चौकीदार ने जबान खोली। पुलिस की मार खा के तो गूंगे भी बोलने लगते हैं सर, मगर उस आदमी की तो बात ही कुछ और है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे मियां हवलदार, ये क्या कर रहे हो? हाँ साहब ने तुम्हें छोड़ दिया है। क्यों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है क्या? साहब जी, यस, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपकी दुआ से? पूछिए जी। जब छोड़ना ही था तो फिर ये फोड़ना क्यों? मियां खां, एक बार सोचो, 10 बार सोचो, अगर दोबारा बुलाकर फिर से फोड़ नहीं चाहते हो तो मैं जाता ही नहीं, इधर ही बैठ जाता हूँ, ये आने जाने का झंझट नहीं। चलो चलो यार। ये आपकी दुआ से। हे यस सर, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। ओके सर, चले जाओ। मोनिका मैम सर, कैसी हो मियां खां? कौन बंदरू, तुम छूट गए? आपकी दुआ से। बेवकूफ, तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। कैसी बातें कर रही हो मियां खां? पुलिस की मार खा के जिसने अपनी जुबान नहीं खोली वह हवलदार के झांसे में कैसे आ सकता है आपकी दुआ से? क्या काम है? कैसे चाहिए, वो जिस्म की थोड़ी मरम्मत करानी है। कितने? बस 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? अपनी औकात देखिए। तो ठीक है मियां खां, तो मैं अपनी जुबान खोले देता हूँ, पुलिस की मार खाओगी तो मेरी औकात खुद ही समझ में आ जाएगी आपकी दुआ से। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आके ले जाना। सूट केस में भर कर देना मियां खां, आजकल सूट केस का जमाना है आपकी दुआ से। छूट गया है, उसी के जरिए हम माधुरी रंजना के कातिल तक पहुंच सकते हैं। कैसी बात करता है यार, जब पुलिस उसे कुछ उगलवा नहीं सकी तो हम कैसे उगलवाएंगे? ये तो बहुत ईजी है, हम साले को नमक खिला देंगे। असली बाप की औलाद होगा तो हमसे नमक हरामी कैसे करेगा? मधुर पुलिस के आगे नहीं टूटा, क्योंकि वो जानता था पुलिस चाहे कितना भी मारे पीटे जान से नहीं मारेगी, लेकिन राजा मौत का खौफ अच्छों अच्छों को सब कुछ पकवा देता है। वो तो ठीक है, मगर इस वक्त बंदरू होगा कहाँ? जैनेट लेडीज हेल्थ क्लब में, वो हॉस्टल की नौकरी छोड़कर वहाँ काम कर रहा है, मगर वहाँ जाने में एक मुश्किल है। वो क्या? उस क्लब में मर्द नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम औरत बन के चले जाएंगे। हम अभी आता हूँ। इतना सारा फ्रूट तुम अकेला खाएगा क्या? हम खाऊंगा नहीं, मैं लगाऊंगा। क्या बोला क्या बोला? लगाऊंगा? आप नहीं ना समझेगी माँ जी, हमको समझने का नहीं है। लगाऊंगा? ए लगाओ फ्रूट वाला। मैं बताता हूँ, ये दो तेरे लिए, दिए दो तेरे लिए, तू ये लगा ले। अरे केले का हम कहाँ करूंगा भैया, ठहरो हम अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे अब क्या करेगा, स्वेटर बुनेगा? हम बुनूंगा नहीं, ऐसे लगाऊंगा। लगाऊंगा। कितने लगते हैं? अरे क्या माल उतरा है बेटी, देखो माल बोलता है। कुत्ता है, चप्पल उतारू क्या? मेरा नाम कोल्हापुर की धपाट ले लिया है। क्या हो देना, तू बोलती इसलिए सोड़ती हूँ, ना इतर बोटला मिलती थे गुदगुने झाले असते। आईशी सब खोई अच्छा वर ढगाल लागली तड़ा पानी थिन थिन गड़गड़ा रानी बोल रही है, रानी बोल। समझ गया, वो देख रहे तेरे घर का क्या उड़ा ऊन पड़ते है देवा। ये तेरा फ्रॉक संभाल ला, इधर हवा बहुत चलता है। क्या क्या करना पड़ रहा है? और कल मुझे पार्टी में मालूम विमल कुमार मिले थे। क्या बात करती है, और वो मेरी फिगर की इतनी तारीफ करे थे, इतनी तारीफ करे थे कि मैं इतनी खुश हो गई। चल झूठी नहीं, सचमुच। और डेविड धवन मुझे देखे तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। क्या बोलती है तुम? हाँ। दीपिका देखना क्या डुक्कर के जैसे खाती ही जा रही है, खाती ही जा रही है। आईकल का खोच इसे, हम छोके ऑन द फोन। मैं देखती पने और सुनती पने, पर मेरे पे ध्यान देगी क्या? वेट, और अनिल कपूर और बोनी कपूर दोनों मेरे गाल एक ये साइड से खींचे, एक ये साइड से खींचे। बहुत वो है ना। और, हाँ,
और जब प्रहलाद जी ने मेरी तारीफ की तो प्रहलाद नहलानी ससुर को से खाते देख कर हमें बहुत जोर की भूख लगी है। एक बजे निकाया है, हम सुबह से कुछ भी नहीं खाए हो, बिल्कुल कुछ नहीं खाए हो। खाने का इंतजाम तो है। नीचे क्यों जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? जब इंसान के अंदर भूख का राक्षस तांडव करता है ना, तो शर्म आया सब मर जाती है। यार सब ऊपर खबर हो गया, सब लोग देखे। कोई बात नहीं, हम दूसरा भी सपाट कर देगा। कभी कभी सपाट लड़कियां भी बहुत सेक्सी होती हैं। लेकिन जब तुम्हारी याद आती है ना, तो मेरे तन बदन में आग से लग जाती है। हाँ, मैं क्या करूँ? फ्रिज में बैठ जा। तू कौन है? मैं औरत हूँ। बंदर तीन का है? वो कुत्ते हैं। बस इतना पूछने के लिए मैं एक घंटे से खड़ी हूँ, मालूम है क्या? स्टूपिड, तू पागल, तू एड़ी, तू जा रही, तू भी जा रही, स्टूपिड। अभी अभी मैंने राजा और उसके दोस्तों को लड़कियों के फेस में टेनिस हेल्प क्लब में जाते देखा है। बंदर तीन कहाँ है? यहाँ सेहत तो ठीक है, आपकी दुआ से बस टॉवल पूरी निकलने चाहिए। दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह के बाद गोला गोला। क्या देखता है? तुम्हारा तमाचा भी कितना मीठा है। मराठी हूँ ना। असम बड़े तालाब की अगर तुम मेरे इलाके में आ जाओ तो सारे इलाके में हलचल मच जाएगी। अभी भी मैं तुम्हारे इलाके में ही हूँ। मैं गेरिया हूँ, जरा इधर कोने में आ जाओ, वहाँ कोई नहीं देखेगा। कोने में लेके जाएगा? हाँ। हाँ। पप्पी दे दे। तेरे को मेरी पप्पी चाहिए? हाँ। एक बार ना मैं इलाहाबाद गई थी अमिताभ बच्चन का भाषण सुनने। अच्छा। स्टेज छोड़कर आया और उसने मेरी पप्पी ले ली उसने। बाद में ना मैं हैदराबाद गई थी, चार मीनार के नीचे श्रीदेवी के साथ शूटिंग कर रहा था वो। अच्छा। अपना चिरंजीवी श्रीदेवी को छोड़ आया और उसने भी तुम्हारी पप्पी ले ली। बाद में मैं मद्रास गई थी, मद्रास जाके मैं रजनीकांत के बंगले के ऊपर गई, बंगला छोड़ आया। अच्छा। और आकर उसने भी तुम्हारी पप्पी ले ली? मैंने उसकी पप्पी ले ली, मेरे कोल्हापुर का है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ए, मगर तू एक बात बता, इतनी जगह तू गई कैसे? मेरा बाप ट्रांसपोर्ट में है ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तेरे को मेरी पप्पी चाहिए ना? हाँ। तू सिर्फ मेरे को इतना बता कि माधुरी और निरंजना का खून कौन खेला? माधुरी और निरंजना का खून किसने किया? जलगांव, मलेगांव और तलेगांव और गोरेगांव में टूटेगा तेरा पांव, सतारा में जाएगा तेरा कपड़ा उतारा, और नागपुर में जाएगा तेरे को कानपट में मारा, अमरावती और धुलिया में तेरे को ऐसी धूल चटाऊंगी, विरार में जाकर तेरी चटनी बना के खाऊंगी, अकोला में समझ ले तू मेला, और थाना में तेरे को याद आ जाएगा तेरा नाना। उसके बाद भी खून किसने किया नहीं बताया तूने, तो तेरी समाधि के लिए एक ही जगह होगी और वो जगह होगी पुणे।
सर रुक जाओ। अरे भागो वापस वापस। अब तो इसे रास्ते से हटा नहीं पाएगा। डार्लिंग, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया, छोटी सी कीमत चाहती हूँ। ब्लू फिल्म के धंधे में मुझे 50% की पार्टनरशिप चाहिए। दोगे ना? ये मत भूलना कि मैं माधुरी की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो सारी दुनिया के आगे तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। सर, ये क्या है? सर, वीडियो पार्लर में छापे में जब्त की गई लो फिल्म के कैसेट आप देखना चाहते थे ना? डेफिनेटली। राजा ब्लू फिल्मों का निर्माता है? राजा ब्लू फिल्मों का निर्माता? राजा, 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 क्या हुआ? ये बहुत बड़ी बात है राजा, बहुत बुरी बात है ये। क्या बुरी बात? तुम ब्लू फिल्में बनाते हो? हाय हाँ? और हमको शूटिंग तक नहीं दिखाया। क्या हम इतना बड़ा हो गया हूँ, कम से कम एक बार शूटिंग वहां दिखाओ ना। अरे क्या उल्टी सुल्टी बात कर रहा है तू? नहीं, उल्टी बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये छपा है। राजा ब्लू फिल्मों का निर्माता। एक वीडियो पार्लर के छापे में पुलिस को एक ऐसी ब्लू फिल्म बरामद हुई है जिसकी नायिका माधुरी के खून के इल्जाम में पुलिस को ENV कॉलेज के स्टूडेंट राजा की तलाश है। पुलिस के अनुसार राजा इस फिल्म का निर्माता है। ये क्या नया नाटक हो रहा है? आगे बढ़ आगे बढ़। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्दी राजा और उसके फरार दोस्तों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन हमें कहां गिरफ्तार करेगी? अरे हमने कौन सा गुनाह किया है? हम तो शूटिंग तक नहीं देखा हो। चुप रह की औलाद। ये यहां फोन किसका है? हां, ये दीपक के पेपर रख ले, मम्मी का तो लगना चाहिए। हेलो। हेलो राजा, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, प्रिया, तुमको यहाँ का टेलीफोन नंबर किसने दिया? एक लड़की ने, उसने मुझे खत भी दिया है। क्या लिखा उसने? हाय प्रिया। हाय, मेरे भैया आ गए हैं, तुम 4 बजे मुझे शिव मंदिर में मिलो। ओके बाय रजनी। ठीक है, मैं पुलिस के भेस में मिलूंगा। ठीक है, बाय। प्रिया तुम आ गई, कहाँ है खत? देखो, ये नया नाटक क्या है।
अगर तुम ये जानना चाहते हो कि असली कातिल कौन है तो इमाम हिमाचल फेयर कॉन्टेस्ट में आ जाना। क्लब डांसर ये यू आर अंडर अरेस्ट। साधु नहीं है तो क्या भिखारी है क्या? हमारे पास सुट्टा नहीं है, जाओ जाओ। अरे हम भिखारी नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। कौन? क्यों वर्दी में भीख मांगने को शर्म आता है क्या? हटा इधर। इस
जिन्हें भी नखरे दिखाना है बुरा काहे मुझे जीते जी तू सूली पे चढ़ाए हाय हाय दिल किसी और से लगाए वादा करे मुझसे और उसे निभाए तेरे इन दावों से तो रब ही बचाए पल पल नजरे तो मुझसे लड़ाए हाय हाय दिल किसी और से लगाए वादा करे मुझसे और उसे निभाए तेरी नदाओं से तो रब ही बचाए हेलो हेलो जुहू पुलिस स्टेशन एक पता नोट करो दस शंकर विला वर्सोवा बीच दस शंकर विला वर्सोवा बीच किसका पता ये राजा का राजा का जहाँ वो छुपा हुआ है तुम कौन बोल रहे हो उनको वही रोक लेंगे चल 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 भागो भागो चल 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 कौन इधर और तुम इधर जाओ अच्छी तरह मम्मी 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 मिसेस फ्लोर जोयना यस तो राजा आप ही का बेटा है हमारा बेटा है लेकिन आप लोग सब काई को इधर हम आपके बेटे राजा को आप उस खूनी के बारे में जानना चाहते हैं ना अंदर आई मैं आपको सब कुछ बताता हूँ अंदर आइए मम्मी हम अभी आता है अभी आता है मैं अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ मगर आप मेरी मम्मी को कुछ पता बताइए वो दिल की मरीज है अगर उनको पता चलेगा ना कि उनका बेटा खूनी है तो वो जीते जी मर जाएगी अच्छा मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मेरी माँ की जान बख्श दो इंस्पेक्टर साहब मेरी माँ की जान बख्श दो मेरी माँ की जान बख्श दो इंस्पेक्टर साहब मेरी माँ की जान बख्श दो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ दिल की मरीज है जिसका पति एक पेशेवर हत्यारा था जिसका बेटा एक पैदाइशी खूनी है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना क्या कोई रिस्क करता है इसको क्या गुनाह किया हमारा बेटा खून किया है इसने खून नहीं हमारा बेटा खूनी नहीं हो सकता नहीं कर सकता खूनी है ये खून नहीं कर सकता मिसेस फ्लोरेंस इसने एक नहीं दो नहीं पांच खून किया है पांच झूठ बोलता है मम्मी झूठ बोलता है शट अप अगर तुमने खून नहीं किया है तो ये बताओ इसे कि अंदर कमरे में मेरे पैरों पर गिरकर क्या झगड़ा कर रहे थे तुम राजा हाँ। तुम एक टाइम बोला होता तुम भगवान का झूठा कसम खा सकता है अपनी मम्मी का झूठा कसम तुम नहीं खा सकता रखो हाथ रखो अभी कसम खाओ तुम खुन्ने क्या कसम खाओ बोलो 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 बेटा बोलो बोलो बेटा मैं
रात में बोलता था कि हम तुम्हारा सगा मां नहीं। तुमने आज हमारा विश्वास तोड़कर साबित कर दिया बेटा कि हम तुम्हारा मां नहीं। उसे लटकाए हुए आधा घंटा बीत गया मगर उसने उठक नहीं की। जो हाथ पांच पांच खून से रंगे हो सावध, वो इतने कमजोर भी नहीं होंगे। लेकिन ये थर्ड डिग्री बड़े बड़े पत्थरों को रुला देती है। ये हराम ज्यादा भी रोएगा, अपनी बदनसीबी भी रोएगा। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? तुम्हारे इन हाथों से लटका हुआ तुम्हारा ये शरीर तुम्हें पहाड़ जैसा लग रहा होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे तुम्हारे ये हाथ जवाब दे रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें ये भी महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे ये हाथ अब भी टूटे, अब भी टूटे। और तुम्हारा ये दर्द, यहाँ तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे किसी ने बरसों पुराने जख्म में जलती हुई सलाद घुसेड़ दी। तुम चीखना भी चाहते होगे मगर चीख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद है। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है वर्मा। यस सर। इस बेचारे का मुंह खोल दो। राइट सर। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस नर्क से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो। मैं सच कहता हूं प्रोफेसर, मैं बेगुनाह, मैंने किसी का खून नहीं किया प्रोफेसर वर्मा का भी नहीं। अपने आप को बचाते बचाते गलती से चाकू उनके पेट में लग गया था बस। गलती से चाकू एक बार लगता है, 20 बार नहीं। 20 बार? हाँ 20 बार, क्योंकि तुमने उसे चाकू घोंप कर नहीं, घोंप घोंप कर मारा है। ये झूठ है, सारा झूठ है इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ है तो देख दे। देख ये तस्वीर प्रोफेसर वर्मा की, आंखें खोल कर देख हरामजादे, कितने घाव के निशान इस पर। ये मैंने नहीं किया इंस्पेक्टर, ये मैंने नहीं किया। मेरे हाथों से सिर्फ एक बार चाकू लगा था, एक बार। एक ही बार चाकू लगा था इंस्पेक्टर? तुम मारते मारते बुड्ढे भी हो जाओगे ना, तब भी मैं यही कहूंगा कि मेरे हाथों से सिर्फ एक ही बार चाकू लगा था। जू पुलिस स्टेशन सर। क्या है? अस्पताल से फोन आया था, इसकी माँ बहुत सीरियस है और बेहोशी में बार बार राजा राजा कहकर पुकार रही है। अब दोबारा फोन आए तो कह देना ये पुलिस स्टेशन नहीं रेलवे स्टेशन है। जाओ इंस्पेक्टर, मुझे सब कबूल है, पांचों खून मैंने ही किए थे। That's good. और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पांचों खून मैंने कैसे किए थे। बोलो। बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहला खून माधुरी, मान लीजिए कि ये माधुरी है, मेरे से नाजायज ताल्लुकात थे। मेरे मना करने के बावजूद ये मेरे बच्चे की माँ बन गई, और जब इससे मेरी बात नहीं मानी तो मैंने इसे हॉस्टल की छत से नीचे गिर
ये क्या नाटक है? ये नाटक नहीं है इंस्पेक्टर, ये वो सच है जिसकी तस्वीर तुम देखना चाहते हो। दूसरा खून रंजना का। मानो कि रंजना है। ये हरामजादी भी मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। अच्छा, मैंने इसे जीने का मौका दिया। मैंने इसे कहा, रंजना रंजना बच्चे को गिरा डाल इसको, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। इससे पहले कि मेरी इज्जत को धक्का देती, मैंने इसे धक्का दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। इस कुत्ते ने मुझे रंजना का खून करते देख लिया। मेरा मतलब है क्या है, प्रोफेसर वर्मा ने मैंने जाकर उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर थाना पकड़ दिया और जेब से चाकू निकाला और उसके पेट में घोंपता गया। चौथा खून चौकीदार बदरुद्दीन का। अपनी मौत से भागने की बहुत कोशिश की इसने, मगर भाग नहीं पाया। भागते भागते जनरल हेल्थ क्लब में मैंने इसे घेर लिया और उसकी गर्दन दबोच ली। और तब तक दबोचता क्या जब तक के वो मरने क्या। ठीक है छोड़ो इसे। इंस्पेक्टर, उसके बाद बारी आई तुम्हारी। मेरी? याद करो दिन की तरह तुमने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। अपनी रिवॉल्वर निकाल कर मेरी कनपट्टी पर लगा दी थी और इतने में मेरे दोस्त की गाड़ी आई, मैं गाड़ी से टकराया और तुम पर गिर पड़ा। उस दिन तक मैं यही सोच रहा था कि खून मैंने किया है, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि खून मैंने किसी और ने किया है। क्योंकि एक बार चाकू तो मैंने घोंपा था, बाकी 19 बार किसने घोंपा था जब तक मुझे पता नहीं लगेगा ना, मैं किसी के हाथ में आऊंगा इंस्पेक्टर, नहीं आऊंगा। चल जा। हरामजादे, ये ड्रामा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अपने आप को निर्दोष साबित करके अपनी माँ की जान बचाने के लिए अगर आज मुझे अपने ही खून का दरिया लांग कर जाना पड़ा ना इंस्पेक्टर, तो मैं जाऊंगा। चल जबिला। सनी बिल्कुल ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारे भैया को सिक्योरिटी हटाने की क्या जरूरत थी प्रिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो सनी का ख्याल रखना और खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करना। जी भाभी, ओके बाय। सनी,
हो हा? मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगे सनी को मारकर अपने रास्ते का आखिरी कांटा दूर करने और मेरी कब्र में आखिरी कील ठोकने। बड़ी सफाई से तुम अपने आप को बचाकर मुझे फंसाते रहे। भैया क्या समझते थे और तुम, काश वो देख सकते कि तुमने आज सनी की जान बचाई है। सनी, सनी तुमने मुझे खून करते हुए देखा? नहीं। तुमने किसी और को खून करते हुए देखा? हाँ। यानी कि इसने उस खूनी को देखा है जिसने 19 बार चाकू खोपा था। सनी, सनी तुमने किसको खून करते हुए देखा था? उसको। ये आया था उसको? नहीं। तो फिर किसको? उसको। सनी, तुम उसको देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ। प्रिया, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अस्पताल, जहाँ मेरी माँ मेरे झूठे गुनाहों की सजा भुगत रही है। ओह। तो सिर्फ इसी की गवाही मेरी माँ की जान बचा सकती है। मैं दिन रात रब से यही
चुकिया तूने ऐसा, चुकिया, चुकिया तूने ऐसा, चुकिया।
मधुरी और अंजना की तरह तेरे भी जिस्म के चेहरे उड़ जाएंगे। बता तूने ऐसा क्यों किया? इस बच्चे का भी वही हाल करूंगा जो माधुरी और रंजना का किया था। तो मेरे चीथड़ उड़ाने की बात कर रहा था ना? तू जानना चाहता है ना ये सब मैंने क्यों किया? तो सुन, सारे खून ब्लू फिल्म्स के चक्कर में हुए हैं। मेरी अय्याशियों से तंग आकर मेरे बाप ने मरते वक्त अपनी जायदाद का आधा हिस्सा प्रेस के नाम कर दिया था। एक चौथाई हिस्सा रंजना के नाम, एक चौथाई हिस्सा मेरे नाम। अगर मेरे खर्चे बढ़ने लगे थे इसलिए मैंने ब्लू फिल्म्स का धंधा शुरू किया, क्योंकि दुनिया में यही एक धंधा है जिसमें एक रुपए लगाने पर 100 रुपए का मुनाफा होता है। मगर इस धंधे की मुश्किल ये है कि लोगों को रोज नई नई और कमजन लड़कियां चाहिए, इसलिए मैंने गर्ल्स हॉस्टल को अपना निशाना बनाया। हॉस्टल के चौकीदार बद्रुद्दीन को अपने साथ मिलाकर सबसे पहले मैंने माधुरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसे नशे की गोलियां खिलाकर एक दिन चुपके से अपने घर के बेडरूम में मैंने उसकी ब्लू फिल्म बना ली। अपना काम निकालकर मैंने माधुरी का पल्ला झटक दिया, मगर वो गर्भवती हो चुकी थी और इसका जिम्मेदार मुझे समझती थी। यही बताने के लिए उसने मुझे खत लिखा, मगर गलती से वो खत प्रोफेसर वर्मा के हाथ लग गया। तो इस डर से कि कहीं माधुरी की बेवकूफी से मेरा राज खुल न जाए, मैंने उसे गर्ल्स हॉस्टल की छत से गिरा के मार दिया। माधुरी के बाद मुझे रंजना का खून करना पड़ा, क्योंकि ब्लू फिल्म्स बनाते हुए उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था और मेरे मना करने के बावजूद उसने ये बात कॉलेज की क्रिसमस पार्टी में अपने प्रेमी प्रोफेसर वर्मा को बता दी। प्रोफेसर वर्मा ने उसे गर्ल्स हॉस्टल की छत पर बुलाया। रंजना इंतजार कर रही थी प्रोफेसर वर्मा का और हम वहां गए। रामसादी, मना करने के बावजूद तुमने ब्लू फिल्म की बात प्रोफेसर वर्मा को क्यों बताई? रामजादी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम अपनी बहन की भी जान लोगे क्या? अगर मेरी सगी बहन भी मेरे रास्ते में आती तो मैं उसे भी गिरा देता। और तू मेरी सौतेली बहन है। ले जाओ सलीम लगड़े को प्रोफेसर वर्मा के पीछे लगाकर मैं रंजना की लाश के पास पहुंच गया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अगर कुल्लू के भड़काने पर तुमने प्रोफेसर वर्मा को घेर लिया और अनजाने में तुम्हारे हाथों प्रोफेसर वर्मा के पेट में चाकू लग गया, तुम लोगों के जाने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रोफेसर वर्मा मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। सनी ने मुझे प्रोफेसर वर्मा का खून करते हुए देख लिया था। इस बात का मुझे पता चला प्रिया की बर्थडे पार्टी पर, जब इसने खुल्ला मुखल्ला मेरी तरफ इशारा कर दिया। अगर तुम्हारे पीछे खड़े होने की वजह से लोगों ने समझा कि इसने इशारा तुम्हारी तरफ किया है, माधुरी रंजना और प्रोफेसर वर्मा का कातिल मानकर पुलिस पागल कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ चुकी थी। फिर आई उस बद्रुद्दीन की बारी। मोनिका से 5 लाख रुपयों की मांग करके उसने अपनी मौत को बुला लिया। उसकी मौत का इल्जाम भी तुम्हारे सर पर आए, इसलिए तुम अपने साथ मेरी झलक लगने गया और मौका पाकर मैंने बद्रुद्दीन की भी हत्या कर दी। पुलिस को फिर तुम पे शक हुआ।
ठीक इसी तरह मैंने तुम्हें मोनिका के मर्डर में फंसाया। लू फिल्म्स के धंधे में 50% पार्टनरशिप के लिए जब उस हरामजादी ने मुझसे बगावत कर दी तो मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मोनिका के नाम से खत लिखकर प्रिया के द्वारा मैंने ही तुम्हें इमामी कॉन्टेस्ट में बुलाया। मौका पाकर मेरे आदमियों ने बत्तियां बुझा दी। तुम्हारी जेब से इंस्पेक्टर चौहान का रिवॉल्वर निकालकर मैंने इस कुतिया को कोई उससे बंद कर रख दिया। मोनिका की लाश इंस्पेक्टर चौहान के रिवॉल्वर से निकलता हुआ धुआं और उस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान, ऐसी अच्छी और कोई चाल हो सकती थी तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए? मगर मेरे एक रास्ते का कांटा भी बाकी था और वो था ये सनी, क्योंकि सनी की गवाही ये साबित कर देती कि खून तुमने नहीं किसी और ने किया है। इसलिए सनी की मौत बेहद जरूरी हो गई थी। दीपक, लिहाजा मैंने तेजा को सनी का खून करने के लिए वहां भेज दिया, मगर ऐन वक्त पर तुम वहां पहुंच गए और तुमने एक शानदार चाल चली। तुम जानते थे कि कातिल सनी को मारने के लिए सामने जरूर आएगा। तुमने मुझे सब कुछ मजबूर कर दिया सामने आने के लिए, दोस्ती का ये नकाब उतारने के लिए, मगर मैंने भी हार नहीं मानी है राजा। सनी के साथ साथ मैं तुझे भी मौत की घाट उतार दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। दीपक हट जाओ, बच्चा मुझे दे दे। हट जाओ दीपक, बच्चे को मेरे हवाले कर। नहीं दीपक, दीपक आगे आ जाओ, बच्चे को मैं कहता हूँ सनी को मेरे हवाले कर। मैं कहता हूँ मार दो बच्चे को। वाह दीपू वाह, अरे हमने वहाँ अपना खून बहाया जहाँ तेरा पसीना निकला। बड़े भाई से भी बढ़कर समझा तुझे, पर साले तू तो बड़ा कमीना निकला। मुरारी सनी को प्रिया के पास ले जा। तो जो कुछ तूने मुझे बताया ना, अब वो सब कुछ तू मेरी माँ के सामने बोल। सनी, तूने मुझे खून करते देखा था क्या? इसको इसको ना, मेरी माँ। कौन है आप, कहाँ जा रहे हैं? मेरी माँ फ्लोरेंस जॉइनर अंदर है ना। आप उनसे नहीं मिल सकते, उनकी हालत बहुत ही सीरियस है। No one can stop me, understand? ये तुम अपना क्या हाल कर डाला मामी? देखो देखो, हम तुम्हारा सर पे हाथ रख के बोलता है मामी, हम कोई खून नहीं किया, हम कोई खून नहीं किया। सुना तुमने? देखो मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस रवैये से कुछ भी हो सकता है। जो कंडीशन तुम्हारी माँ की है वो मर भी सकती है। नहीं डॉक्टर, मेरी माँ नहीं मर सकती। मेरी माँ नहीं मर सकती। कि तू इंसान की मदद के लिए हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए तूने मां बनाई। भगवान, तूने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया, तुझे भी किसी न किसी मां के सहारे की जरूरत पड़ी, इसीलिए शायद तूने खुद मां को अपने से भी बड़ा दर्जा दिया। मैं कई मंदिर, गिरजाघर, चर्च और कई दरगाहों पर गया, मगर आज तक इस मंदिर की चौखट पर कभी नहीं आया था, सिर्फ इस डर से कि यहां आकर मुझे कहीं अपनी उस मां की याद ना आ जाए जो मुझे रात के अंधेरे में गुमनामी में यहां पर अकेला और बेसहारा छोड़कर चली गई थी। इससे पहले कि मैं मां शब्द को कोसता, तूने उस शब्द की लाज रख ली। तेरे दर पर
मुझे माँ के रूप में माँ मरियम मिल गई। वो फ्लोरेंस जॉइनर जिसने हमेशा दिल के रिश्ते को खून के रिश्ते से बढ़कर समझा, जिसने मुझे एक ही सबक सिखाया इंसानियत का, वो फ्लोरेंस जॉइनर आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है सिर्फ इस सदमे से कि वो सोचती है कि उसका बेटा खूनी है, मगर जब मैंने खून किया ही नहीं तो मेरी माँ इस सदमे से क्यों मरेगी कि उसका बेटा खूनी है? जब जुर्म किया ही नहीं तो फिर सजा कैसी? वो माँ जो ममता की मिसाल बनकर इस दुनिया में जी रही है, तो उस माँ को मुझसे छीन लेगा? तू भगवान होकर मेरा भगवान मुझसे छीन लेगा? झूठ के हाथों से खोदी गई कब्र में सच्चाई दफनाई नहीं जाएगी। मैं कल भी तेरे दर से अनाथ नहीं लौटा था, मैं आज भी तेरे दर से अनाथ नहीं लौटूंगा भगवान। मुझे मेरी बात चाहिए। मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले। राजा 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 माँ को होश आ गया। अरे लेकिन ये क्या, तुम इतना बड़ा घोड़ा हो गए हो हाँ, और अभी भी इतना दुलार। बाप रे, होश में आके कहती है मेरा राजा कहाँ है, तेरा राजा कहाँ है? मान गए तुम वाकई हो उनका दुलारा। इतना इतना प्यार से बोली ना राजा कहाँ है। हमको तो रोना आ गया। चलो अभी चलो। अरे ये क्या क्या मामूली खरोचा है, ठीक हो जाएगी। चलो चलो चलो, राह देखती है वो। चलो चलो मम्मी, मम्मी तुम ठीक हो? अपना मम्मी का जान बचाने के बाद से तुम क्या क्या नहीं किया बेटा, तुमने तो आज बता दिया कि खून के रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। हम जब भी गॉड के सामने सर झुकाएंगा तो उससे यही मांगेगा कि अगले जन्म में वो तुमको हमारा कोख से पैदा करे। कितने बीमारियां हैं ये दिल में किस किस को दो, हर एक लड़की मुझ पे है मरती, मैं सबके दिल में रहूं। मेरी पैंट इसकी, मेरी शर्ट इसकी, मेरे बाल इसकी, मेरी जान इसकी, ये रुमाल इसकी है। अनारिया है कितने बीमारियां है ये दिल में किस किस को दो, हर एक लड़की मुझ पे है मरती, मैं सबके दिल में रहूं। मेरी पैंट इसकी, मेरी शर्ट इसकी, मेरे बाल इसकी, मेरी जान इसकी, ये रुमाल इसकी है। तू लड़की कितनी क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है, तू ब्यूटी तू चार्मिंग, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहाँ बनाऊंगा। मैं रोमियो तू जूलियट, न समझ तू उसको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चलिए किधर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हर एक लड़की मुझ पे है मरती,
क्यों करती है चूका 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 चूका